पाकिस्तान में नई करेंसी मुतारिफ करवाई जा रही है जिसके लिए मार्च 2024 का वक्त दिया गया है, यानी मार्च में नई करेंसी मार्केट में आ जाएगी। अब इसको लेकर स्टेट बैंक ने एक आर्ट कंपटीशन रख लिया है सोशल मीडिया पर और आवाम को कहा गया कि आप अपने अपने डिजाइन बनाएं 11 मार्च तक और टॉप 3 डिजाइन जिनके होंगे इनको फिर इनाम दिया जाएगा और इनमें से कोई एक डिजाइन चूज भी किया जा सकता है और वो फिर करेंसी की शक्ल में मार्केट में भी आ जाएगा। अब आवाम ने डिजाइन बनाने शुरू कर दिए और इसके ऊपर भी इमरान खान की तस्वीर लगाना शुरू कर दी है। दो नोट आप देख सकते हैं जिनमें एक में कायद आजम की तस्वीर लगाई गई और एक में अच्छा सा डिजाइन बनाकर इसमें इमरान खान की तस्वीर लगाई गई। इसमें बाबर आजम की भी, एक बच्चे की भी तस्वीर लोगों ने लगा दी मजाक में। कुछ लोग इस कंपटीशन में सीरियस भी थे जिन्होंने कुछ अच्छे डिजाइन भी पेश किए। अब कौन से नोट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये गौर करें कि इमरान खान को हटाने वाले, इमरान खान को इलेक्शन कैंपिंग ना करने देने वाले, ये देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ इमरान खान ही इमरान खान है। स्टेट बैंक को तो ये भी पता नहीं होगा कि उसके इस कंपटीशन के ऐलान से भी इमरान खान को फ़ायदा हो जाएगा और लोग इमरान खान की कैंपिंग करना शुरू कर देंगे और इमरान खान के करेंसी नोट बनाना शुरू कर देंगे। आप क्या समझते हैं दोस्तों, क्या कायदे आज़म और इमरान खान दोनों के करेंसी नोट पाकिस्तान में अब बनने चाहिए जिसमें एक तरफ इमरान खान की तस्वीर हो और दूसरी तरफ कायदे आज़म की? अब दूसरी जानिब दोस्तों, नोट कागज़ के आएंगे या फिर प्लास्टिक के, तो इस हवाले से भी लोगों ने मुतालबात करना शुरू कर दिए हैं स्टेट बैंक से कि पेपर करेंसी अब ना लाई जाए बल्कि प्लास्टिक के नोट बनाए जाएं ताकि वो ना फटें ना ख़राब हों। दुनिया में अब दोस्तों प्लास्टिक नोट ही तैयार हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी अब इसी तरफ बढ़ना चाहिए ताकि पाकिस्तान में बार बार नोट्स तब्दील ना करने पड़े। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सारे नोट अब तब्दील कर दिए जाएंगे पाकिस्तान में, जिनमें 50, 100, 1000, 500, 5000 सब नए नोट आएंगे मार्केट में जिनके डिज़ाइन के लिए स्टेट बैंक ने कंपटीशन का ऐलान किया है और मार्च के माह तक ये कंपटीशन जारी रहेगा, जिसके बाद मुमकिन है कि एक दो माह के बाद नया डिज़ाइन आए और प्रिंटिंग शुरू हो जाए।